हे गाइस, वेलकम टू अचानक गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, हम लोग ये भी देखेंगे। और अगर पॉसिबल होता है तो मैं आज आपके लिए सेकेंड सेशन भी डालूंगी, क्योंकि एक क्लास वो भी है कि जो थर्ड पार्टी के किए कराए से परेशान हैं और उनको नहीं पता है कि इनके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, तो उनके लिए भी अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो वो रीडिंग में डालूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है और उन दोनों के साथ आगे क्या होगा। बट इस वक्त मुझे लगता है मुझे ये डेक यूज़ करना चाहिए आज आपके लिए, क्योंकि मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकाल रही हूँ, तो मैं ये देख लूँगी आज। तो ये आपके पर्सन की फ़िलहाल तो मैं देख लेती हूँ कि जो भी पर्सन लव रिलेशनशिप में है बट बातें नहीं हो रही हैं, या फिर लेस कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, तो उनके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, उसके बाद में देखूँगी कि वो सेकेंड वाला टॉपिक भी मैं लेके आऊँगी, क्योंकि हम दो दिन से वो सीरीज भी बोल सकते हैं वो कर रहे हैं, उसमें एक टॉपिक रहेगा है कि अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ पे इनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, और थर्ड पार्टी के भी ट्रू इंटेंशन हिडन फीलिंग में डालूंगी। वो भी रीडिंग बहुत एक घंटे जितनी लंबी हो जाएगी वो भी, बट काफ़ी लोगों का ये भी था कि इनको अपने पर्सन की करंट एनर्जी जानना ज़रूरी था, तो मैं देखूंगी उनके भी आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी, हो सकता है उन लोगों का भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे मैच मिल जाएगा। करते हैं आपके यहाँ माइकल को कॉल, क्योंकि क्या हुआ ना गाइस, जब तक मैं रीडिंग नहीं निकाल रही थी ना, तब तक मुझे इतना हैवी फील हो रहा था दो दिन से कि मुझे लगता कि सच में यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस गाइडेंस के। तो जब मैंने ये निकाली तब थोड़ा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी कि रिलीफ हो रहा है यहाँ पे, सच में किसी को गाइडेंस की ज़रूरत थी इसका मतलब। तो देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको ऐसे ही लेना है, किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लाइफ का कोई बड़ा मेजर डिसीजन नहीं लेना है। देखिए पर्सन कंसल्टेशन भी लेते हैं तब भी मैं उन लोगों के लिए, कहीं से भी लेते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कहीं उससे कंसल्टेशन लिया होता है। और यहाँ पे देखिए एनर्जी उस टाइम क्या थी जिसने भी आपकी रीडिंग की, तो वो मुझे नहीं पता है, बट इसमें हमेशा बोलती हूँ कि पर्सन कंसल्टेशन से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है, आपको अनुमान हो जाता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, और आप पहले से प्रिपेयर रहते हो। उसके बाद आप मटेरियल लाइफ में जब भी जीते हो तो वहाँ आप सराउंडिंग के लोगों की हेल्प से कुछ रिसर्च कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालिए, तब भी एक लाइफ का पर्टिकुलर डिसीजन आपको लेना है। ये लाइफ है भाई, कोई खेल नहीं। तो आप मेरे फैमिली मेंबर हो इसलिए मैं बोलती हूँ, तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग पर मैं इसीलिए इतनी डिटेल रीडिंग डालती हूँ ताकि काफ़ी सारे लोगों को ना कुछ हद तक क्लैरिटी मिल जाए और वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए। बट अगर किसी की सिचुएशन सच में कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कंफ्यूज है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करके अपने लाइफ की क्लैरिटी सॉल्व कर सकते हो। और अगर लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं एक हीलर हूँ, तो मैं अपने मेरे काफ़ी सारे स्पेल करना, हीलिंग टेक्निक कुछ होती है उसका यूज़ करके आपके लाइफ के सोल्यूशन, आपके लाइफ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यस, लगभग हो सकता है आज मैं ये भी रीडिंग करूँ, वो भी रीडिंग करूँ, तो कम से कम 2 घंटे तो आज मेरे रीडिंग में जाने वाले हैं। तो यस, एक निकालते हैं, लेते हैं अपने फैमिली के लिए भी थोड़ा टाइम, और आज आपके लिए टाइम मेरा है, अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आर्केंजा माइकल को कॉल करते हैं। आर्केंजा माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू आर्केंजा माइकल, आप हमेशा हमसे जुड़ते हैं, और मेरे जो दर्शक है, मेरे जो फैमिली मेम्बर है, उनको आप सही मार्गदर्शन देते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ देम आल्सो एंड मी आल्सो। क्या है मेरे दर्शकों के करंट के पर्सन के करंट फीलिंग। अरे यार, ये ऐसे 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 आधे से आधे से। चलो हो गया, ठीक। उलझन में पड़ी क्या जिंदगी, आधे से आधे। जी जी जी
हो गया है, किसी का रिकंसिलेशन हो गया है, बातें हो गई है 3 घंटे पहले, मिस करते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं ये पर्सन, किसी किसी को तो हो गए भी रिकंसिल हो गए, किसी को मैसेज मिल गया है, मिलने के लिए बुलाया गया है, और जिनका नहीं है तो इस वक्त ये पर्सन मिलना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं, बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इस वक्त अपनी लाइफ, ओ माय गॉड, लवर ट्विन फ्लेम हो क्या, जजमेंट सोलमेट तो डेफिनेटली है, वाइब्रेशन सोलमेट एक शुरुआत करना चाहते हैं पर्सन, बहुत अकेला रह लिया मैंने, बहुत टाइम बिता लिया भाई, अब मैंने सिचुएशन बैलेंस कर ली है, लाइफ में कहीं अटके थे किसी सिचुएशन के साथ, अब वो शुरुआत करना चाहते हैं रिलेशनशिप की आपके साथ। जजमेंटल टाइम आ चुका है इनके लाइफ में, जिसका वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है, एक परफेक्ट डिसीजन पर्सन ने ले लिया है, इसको नहीं लेंगे, अच्छे से जंप आउट होना चाहिए मुझे, मैं तो वही मैसेज में लेती हूँ जो प्रॉपर जंप आउट होते हैं। आपका सिक्स ऑफ पैंट्स, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, सेवन ऑफ कप, चैरिट एक्स्ट्रा है मैंने ले लिया, क्योंकि कहना बहुत कुछ चाहते हैं, करना भी चाहते हैं कहना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं सबसे कह रहे, नहीं नहीं इन्होंने अपने लाइफ में ऑप्शंस रखे थे, कुछ कर्म हुआ है जी, अच्छा वाला बुरा वाला, बुरा वाला ही होगा तभी तो भाई इतने माफ़ी वाफ़ी माँ के आते जी, आ रही है पर्सन अपनी माफ़ी लेके आ रहे हैं, प्यार की ऑफर दे के आ रहे हैं, ये पर्सन आपको एक विक्ट्री मानते हैं जी, टाइम उन्होंने आपको वेटिंग जोन पे रखा था, कुछ सिचुएशन थी इनके लाइफ में जिसको वो डील करने में लगे थे, इसके लिए इनको बहुत वक्त लग गया आपके लिए एक्शन लेते लेते, बट मुझे लगता है फाइनल वो जो टाइम है वेटिंग वाला वो ख़त्म हो गया है, और ये पर्सन इस वक्त आपसे मिलना चाहते हैं, इन्होंने एक शुरुआत कर दी है, मुझे लगता है आज ही के दिन बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन या तो हुआ है नहीं तो आज हो जाएगा, किसी का कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है, आप एक मुझे लगता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये आपका मस्कुलाइन मुझे लगता है, डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर पार्ट मुझे लगता है जी, और क्या बोलो, बहुत एक्शनेट है, पैशनेट है, जिनको बहुत प्यार उमड़ रहा है आपको लेकर, अनकंडीशनल प्यार है, क्यों ना आपका बहुत सोचते हैं पर्सन, आप वो पर्सन हो, बहुत अच्छा सोच रहे गाइस, इतना मैं अंदर से फील कर पा रही हूँ कि इनको याद आती है आपकी, आपको आपकी बहुत याद आती है, जिस तरीके से आपने इस पर्सन को प्यार किया है ना, आपकी उस प्यार की केयरिंग नर्चरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सोल हो आप, बहुत ही प्योर प्योर सोल हो आप, मतलब पूरा पूरा अपना निकाल कर प्यार करने वाला, अपना अपना पूरा अंदर का जो कुछ है भाई, मेरे पास जितना कुछ भी बचा है सब आप ले लो, इस तरीके से प्यार करने वाला पर्सन आपको, खुद की कभी परवाह नहीं की आपने, इस ये पर्सन वही मिस कर रहे, क्योंकि जगलिंग में इस पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन डेफिनेट है, या तो ये कहीं और मैरिड है नहीं तो कहीं और एक कमिटेड है, उन्होंने हमेशा आपको कंपेयर किया होगा इस पर्सन ने, उस वक्त इनके फीलिंग ऐसी नहीं होगी आपके लिए, उस वक्त शायद आप उनके लिए बोझ लगते होंगे, क्योंकि आ रही थी एनर्जी काफ़ी टाइम से, उस वक्त आप इनको बोझ लगे रहे होंगे कि भाई क्या है, क्योंकि आपका नेचर रहा होगा कि हर बात उनको जानना पूछना इनकी केयर करना, तो उनको शायद उस टाइम वो बोरिंग बर्डन पका हो ऐसी कुछ एनर्जी उनकी लगती होगी, सो आपको इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था, कोल्ड शोल्डर दिया था इन्होंने आपको, गोस्ट किया था, क्योंकि ये किसी और सिचुएशन में जगल कर रहे थे, कोई और इनके लाइफ में शायद आ चुका था, और कंपेशनेटली वो जो पर्सन होगा उनके लाइफ में वो आपसे थोड़ा अच्छा होगा, बट जब वही रिलेशनशिप में गए होंगे ना, जजमेंट का कड़ा, इसलिए मैं इतना जितने मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि जब भी उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गए तो भाई ये कंपैशनेट पैशनेट वो सब बाहर ही दिखाने वाली वो बात सब कुछ ठीक है, बट पर्सन को अंदर से क्या चाहिए, हम लोगों का वो केयरिंग वो नर्चरिंग वो अंदर से प्यार करने वाला पर्सन वो मिसिंग था, वो इनको कहीं मिल नहीं रहा था, वो आप ही दे रहे थे,
और जैसे ही ये पर्सन ने ये बात रियलाइज की, तो उन्होंने जिस वेटिंग में आपको डाला था भाई, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इस पर्सन को लगता है कि भाई इनकी लाइफ में सही विक्ट्री तो आप ही थे, आप ही उनको उस लाइफ की वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो कुछ किया था उस बात के लिए भी इस पर्सन के मन में बहुत ही ग्रजेस है। ये मानते हैं, ये जानते हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, पूरा पूरा इस पर्सन को पता है। इसीलिए पर्सन अपने माफी के साथ आपके पास इसे घोड़े पे बैठ के दौड़ के आ रही है। पर्सन एक लीडरशिप क्वालिटी लेकर, एक परमानेंट एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर ये पर्सन आपके पास आ रहा है, क्योंकि अब ये अपनी विक्ट्री के पास आ रहा है, जो विक्ट्री आपको। सिक्स ऑफ वैंड्स, इसके लाइफ में कितने भी ऑप्शंस क्यों ना हो, ऑप्शंस रखे थे या फिर ऑप्शंस उनके लाइफ में ऑलरेडी रहेंगे, इस बात को आपको समझाएंगे कि इनकी क्या मुसीबत है, क्या दिक्कत है और इनको किसके साथ जाना है। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको इस बार आएंगे तो कुछ गलत इंटेंशन लेके आएंगे। ये इस पर्सन के अब तक तो मुझे वाइब बड़ी अच्छी लगी है। अब भाई हम किसको क्लैरिफाई करेंगे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जी। पहला कार्ड क्या था यहाँ पे, और थ्री ऑफ कप का ही था यार। कहीं भाई तो प्लीज़ क्लैरिफाई नहीं, थ्री ऑफ कप के जी क्यों नहीं। जी वैसे तो ये बहुत आए थे, बहुत मिस कर रहे पर्सन जी। मैं ले लेती हूँ आगे मैसेज, मुझे मिस तो बहुत कर रहे थे अपने मिसिंग, आप भी मिस कर रहे थे इस पर्सन को। इस पर्सन ने भी काफ़ी मिस किया था, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ गए थे, शायद डेफिनेटली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। बट अब ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, इनको आपके साथ भी शुरुआत करनी है लाइफ की। कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं आपके साथ ये पर्सन। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में डेफिनेटली पर्सन थे, पर आप कब की नजर क्यों हैं जी। जी पता है इनको, आप इनका डेस्टाइन पार्टनर हो, इनके डेस्टाइन ही आप ही हो। रिलेशनशिप कौन सा आई डोंट नो, बट इस वक्त ये पर्सन आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं जी। टू ऑफ पेंटेकल्स, ये उल्टा था तो बट मैं यहाँ पे रख सीधा रही हूँ। रिलेशनशिप में इन्होंने किसी को तो लाया था गाइस, इस पर्सन के लाइफ में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे रिलेशनशिप वाइज, और उसी को ये पर्सन जगल कर रहे थे। बट मुझे लगता है वहाँ से ये पर्सन निकल गया। ऐसा हुआ होगा कि आपने भी इनसे कोई कमिटमेंट मांगी होगी, क्योंकि इस रिलेशनशिप को आप एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते थे। तो उस वक्त में इस पर्सन ने भाई ये भाग गए होंगे, क्योंकि ये किसी और सिचुएशन को डील कर रहे थे, और मल्टी पर्सन से ये पर्सन डील करते थे। बट वहाँ पे जब इन्होंने कंपेयर किया तो उनको शायद समझ में आ गई बात कि वहाँ पे इनकी उनको वो नहीं मिलने वाला जो खजाना आपके पास है, वो तो किसी और के पास तो नहीं है। सच्चे प्यार वाला बोल रही मैं, इकोनॉमिकल पैसे वाला नहीं बोल रही, वही वाला भावनाओं इमोशन सच्चा प्यार अनकंडीशनल प्यार वाला जो खजाना आपके पास था वो कहीं तो नहीं है। हाँ बाहर उनको बाकी वो मिला होगा, फिजिकल डिज़ायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिला होगा, बट वो अंदर का प्योरिटी वाला जो रहता है ना, वो कोहिनूर वाला हीरा, वो किसी के पास नहीं है। तो सब जी कहेंगे भाई यहाँ पे तो सच्चा प्यार बड़े नसीब वालों को मिलता है जी। ये पर्सन जी 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 क्या मैं बोलूँ, कितना परफेक्ट है ये। आप दोनों का देखिए, या तो स्पिरिचुअल कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये पर्सन शादी तो करना चाहते हैं, और हो सकता है आपकी शादी विथ स्पिरिचुअल जर्नी विथ स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी कोई शुरुआत ये पर्सन करना चाहते हैं। इनको ये बात पता नहीं है, यहाँ पे एंजल मैसेज दे रहे, इनको बस इतना पता है कि इनको आपके आपके आपसे एक ट्रेडिशनल मैरिज करनी है। ये ट्विन फ्लेम है आपके, और किसी जर्नी पे आपको, या तो ट्विन फ्लेम जर्नी या तो स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट है कोई। लवर की एनर्जी क्यों एंजल, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, किसकी एनर्जी क्लेम कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। और मैं इतनी खुश हो रही हूँ ना, पता नहीं मुझे अंदर से इतनी खुशी की हो रही है। जस्टिस मिलने वाला है आपको, पक्की एनर्जी क्यों है जी। एक टावर मोमेंट, इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप तो डेफिनेट किया था गाइस, इसीलिए जस्टिस देना है इनको, माफ़ी मांग कर ये पर्सन आ रहे हैं, इनको जस्टिस देना है। और ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को एक मैरिज कमिटमेंट तक लेके जाना चाहते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका इस पर्सन के साथ है। इसीलिए अगर आपकी शादी नहीं हुई इस पर्सन से कहीं, और आप मैरिड रिलेशनशिप में, तब भी शादी तो छोड़िए, बट एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट इस पर्सन को आपके साथ कम्प्लीट करना है।
इनकी शायद इतनी अवेकनिंग नहीं हुई है, बट इनसे यूनिवर्स ऐसे कुछ काम इनसे करवाएगा कि ये अपने कॉन्ट्रैक्ट पे तो सही आ रहे। ये पर्सन मुझे लगता है प्रोफेशन में ऐसे है कि इनकी काफ़ी सारे लोग इनकी एडवाइस सुनते हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु लगते हैं कहीं से। स्पिरिचुअल गुरु की तो कम, बट ये प्रोफेसर है, टीचर है, कोई हीलिंग जैसा कोई काम करते हैं, प्रिस्ट की एनर्जी है, कोई पंडित है, साइंटिस्ट या पंडित, ऐसी कोई एनर्जी मुझे आ रही है। बट एक अच्छे उद्दे पे समझदार पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, और ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट पर है। आपकी कहीं और शादी हुई है, इनकी कहीं और शादी हुई, फिर मैम हमारी शादी कैसे हो सकती है? देखिए शादी नहीं हो सकती, बट एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप लेके आए हो वो डेफिनेटली कम्प्लीट होता हो। मुझे उसकी शुरुआत तो एक राइट जर्नी पे जाती हुई मुझे दिख रही है। हालांकि इस कॉन्ट्रैक्ट में अप एंड डाउन काफ़ी कुछ आने वाले हैं, बट ये पर्सन जस्टिस देंगी। या तो आपके लाइफ में ऑलरेडी सीनियर आ चुका है, नहीं तो लाइफ में ऑलरेडी करंटली इस वक्त कोई ऐसा सीनियर हुआ है, एक ब्रेकअप वाला, एक ब्रेकडाउन वाला, एक लॉस वाला सीनियर लाइफ में आया है। नहीं तो मुझे मैक्सिमम ये लग रहा है कि इस पर्सन ने कुछ किया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, अच्छा जा रहा था रिलेशनशिप, बट ये पर्सन ने सडनली कुछ वॉकआउट कर लिया इस रिलेशनशिप से और आपके साथ ब्रेकअप करके पर्सन चले गए थे। इस पर्सन को कुछ तो लॉस हुआ है, ये भी बात आ रही है। जी लॉस ही हुआ है फैमिली लाइफ में, या तो कुछ इसके अनबन चल रही है, उसको वो कर्मा तो डेफिनेटली मिला है। और ये पर्सन कहीं कमिटेड नहीं है, तो वो जहाँ कहीं भी गए थे आपका प्यार ठुकरा कर, तो वहाँ से इनके साथ कुछ कर्मा हुआ है, जिसका नतीजा ये है कि कर्मा मिलने के बाद इस पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, फैमिली बनानी है, हैप्पी फैमिली लाइफ उसको, इस पर्सन को आपके साथ जीनी है। फैमिली रिलेटेड ये पर्सन अगर है तो वहाँ पे कुछ हुआ, इनका कुछ लॉस हुआ है, कुछ तो हुआ है। ड्रॉप एंड एनर्जी क्यों है अंदर, तो लेट गो नहीं करेंगे जी, प्रॉपर केयर करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे पर्सन आपको। अब जितने आ गए थे मैसेज तो मैं ले लेती हूँ जी। हाँ चैरिट को चैरिटी क्लेरिफाई कर रहा है जी। थ्री ऑफ हैंड्स, देखिए ये पर्सन लेट गो नहीं करेंगे, आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है, प्रॉपर वे में जेलस भी। क्यों जेलस है भाई? क्योंकि इस वक्त आप तो बड़े अच्छे पैदाने पे जाके बैठे हो। हाई प्रिस्टेस एक हीलर का कार्ड है, टैरेट का रीडर हो, हीलर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ ऐसा काम करते हो कि एनर्जी से रिलेटेड कोई काम करते हो, डॉक्टर हो, या फिर आपकी प्रमोशन कहीं हुई है, आपकी लाइफ बड़े अच्छे से जा रही, बहुत सक्सेस की ओर आप जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे भी चैरिट आ गया, डबल चैरिट, ये पर्सन आ रही है आपके पास। कुछ इंट्यूशन इस पर्सन को हुई है, कुछ डाउनलोड इस पर्सन के भी हुए, या फिर ये पर्सन खुद एक स्पिरिचुअल एंटिटी है। क्योंकि एरोफेंट देखने के बाद थोड़ा बहुत मुझे लगा था कि कुछ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की हुई है, कुछ डाउनलोड हुई है, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी हुई है कि इनकी एनर्जी इनको बोलती है कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपके साथ रह के कुछ काम करना है। अभी आपको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ कर्मा बचा है, कुछ काम बाकी बचा है, ऐसा कुछ इनको अंदर से आ रहा है। इंटिट्यू भी ये पर्सन खुद भी हुए हैं, और इनकी इंट्यूशन इनको आपके पास लाने के लिए मजबूर कर रही है, और आप खुद भी ऐसे हो। सिक्स ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटेकल्स, ये पर्सन आ रहे हैं, और इस बार ये पर्सन आपको परमानेंट स्टेबिलिटी देंगे, डेफिनेटली देंगे। ऑप्शन इस पर्सन ने अपने लाइफ में रखे थे, और उस ऑप्शन ने इनके साथ ऐसा कुछ कर्मा किया, जजमेंट एंड टेन ऑफ सोर्स रिवर्स, और इस ऑप्शन की वजह से इस पर्सन ने आपके साथ एक बहुत पेनफुल साइकिल खेला है, आपको छोड़कर गए हैं, बट अब ये साइकिल को एंड कर लिया इस पर्सन ने। और इस पर्सन ने सारे ऑप्शंस को साइड में रखते हुए ये पर्सन इस पेनफुल साइकिल का एंड करके एक माफी के साथ ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। यहाँ पे किसी को तो शादी की बात हो रही है गाइस, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप कहीं और मैरिड है, बट एक स्टेबल रिलेशनशिप ये पर्सन आपसे चाहता है। मीन्स आप भी अपनी फैमिली रखो, हम भी अपनी फैमिली रखते हैं, उसको रखकर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम लोग करते हैं। देखिए
अगर बहुत ट्रांसपेरेंट प्यूरिटी प्यूरिटी या आपके इंटेंशन या आपके पर्सन के इंटेंशन से किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करके अपना जो कॉन्टैक्ट है, अपना जो कर्मा है वो चुपचाप तरीके से हम लोग करें, एक बाउंड्रीज, एक लिमिटेशन, एक मर्यादा को न लांदे हुए, तो ऐसे हालात में तो यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। बट जहाँ पे डिमांड हो गई कि भाई इसके लाइफ ये हो जाए, वो हो जाए, फिर हमसे मिल जाए, तो यूनिवर्स ऐसी विश नहीं सुनते। चैलेंज वही रहता है कि आप, आपका जो कर्मा है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप कैसे कंप्लीट करते हो कोई नया कर्मा लिए बिना। अब अगर आप किसी के गलत कर्मा के शिकार हों तो आपको इंट्यूशन होती है, आपको गाइडेंस मिलती है, उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं, उसके काफ़ी सारे टेक्निक होते हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सी कॉल लेते हो, आप ये करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस है। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई जर्नी बड़ी अच्छे से जा रही है, एक शुरुआत हो रही है इस रिलेशनशिप में, कुछ हुआ था गलत बट अब ये शुरुआत हो रही है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा इस पर्सन के साथ, तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि यस, आप भी एक अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हो और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बचा है, यूनिवर्स आपको चांस दे रहा है, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को आके लेके जाना है। आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको कभी सबोटाज किया था, आपके साथ गलत किया था, बट मुझे लगता है यूनियन की एनर्जी आ रही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं हर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी थी तो हर किसी का पर्सन ऐसा ही होगा, इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि भाई क्लियरिटी के लिए आप पर्सन कंसल्टेशन लेके बातें क्लियर करवा लीजिए। काफ़ी सारे लोगों का सच में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होता है। और आप एक बार नोटिस कर रहे हैं क्या भाई, अब तो हाँ मैं विश करती, पहले मेरी एनर्जी निकाल लेते फिर मैं बाद में बोलूँगी, क्योंकि पता नहीं मैं ऐसा बोल दूँ फिर मुझे बाद में वही कार्ड देखने पड़े। मैं पूरा एनर्जी निकालने के बाद बोलूँगी आपको। जी आर्कएंजल माइकल, थैंक यू आप गाइडेंस देने के लिए। और मैं इस टॉपिक पर एक गाइडेंस चाहती हूँ कि क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट सेशन टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। यहाँ पे तो शेरेड बहुत आ रहे हैं भाई, लेट गो तो नहीं करेंगे, पर्सन पकड़ के चलेंगे आपको, कहाँ जा रहे हैं हमें छोड़कर, नहीं आपको हमारे साथ रहना है, मैं तो आ गया हूँ। नाइन ऑफ वैंड्स, ट्रस्ट इश्यू बहुत है आप दोनों में, अभी आपकी एनर्जी मिक्स हो रही है, क्योंकि जब मैंने एनर्जी निकाली ना अभी तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं भाई हमें इसका भरोसा नहीं है, थर्ड पार्टी को छोड़ के जाएगा नहीं जाएगा। यस जी, किसी की एनर्जी मैंने बोल दी, चलो एनर्जी तुरंत चेंज। सिक्स ऑफ कप है, सोलमेट है आपका, कम्युनिकेशन होगा। फाइव ऑफ पैंट्स, फिर से झगड़ा कर रहे क्या, अरे मैम ऐसा क्यों बोल रहे आप, कम्युनिकेशन होगा तब झगड़े होंगे, क्योंकि ऑप्शन इस पर्सन के लाइफ में, ये पर्सन आपको बड़ा बड़ी मेहनत करता है आपको कन्विंस करने के लिए, इसके लाइफ में ऑप्शन है, ऐसा है, इसकी ये मजबूरी, वो मजबूरी, आप कुछ टाइम के लिए कन्विंस हो जाती हो, फिर क्या होता है ना, आपका एक दिमाग खनक जाता है, उधर ज़्यादा जाता है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे ये नहीं कर रहा है, मुझे वो नहीं कर रहा है, फिर इस ऑप्शन की वजह से हो जाते हैं झगड़े। बैठे बैठे लाइफ पढ़ लेती हूँ आपकी। स्टार जी, विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो भाई, डेथ इसका एंड आ रहा है भाई। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, एक तो बोला था इतने ले लेती हूँ। नाइन ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप। जी अब मुझे इतने डेक के लिए तो जगह नहीं है, ये क्लेरिफाई करने थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगी जब मैं निकालूंगी। जी देखिए, ये पर्सन कहीं और कमिटेड है, हाँ तो ये आ गए आपके पास, इन्होंने एक्शन ले ली, आपके पास ये आ गए और फिर हो गई आपकी अच्छी बॉन्डिंग, बन गया रिश्ता।
फिर हो गए आपके ट्रस्ट इशू। क्यों होते हैं ट्रस्ट इशू? क्योंकि ये अगर कहीं और मैरिड है तो भाई ये वापस अपने मैरिज कनेक्शन में जाएगा, वहाँ पे जाएगा और बोलेगा आपको कि भाई उनको वहाँ पे ज़रूरत है तो उनको वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा कुछ पर्सन आपको बोलेगा। तो ये वापस आपको एक डिटैचमेंट मोड देगा, अपने फैमिली को टाइम देगा क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर इन आउट आएगा, फिर वापस फिर बोलेगा भाई मुझे माफ़ कर दो, क्या क्या करे, मेरी एक लाइफ है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है क्योंकि आपके आने से पहले हो सकता है इसकी शादी हो गई है, या फिर हाँ ये जब आप मिले तो ऑलरेडी कमिटेड थे, मैरिड रिलेशनशिप में थे, इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो उसको जाना पड़ेगा शायद थर्ड पार्टी के साथ। तो अगेन ये आपकी एनर्जी कि भाई सब कुछ खत्म, ये वापस अपने फैमिली में चला गया है। बट ऐसा करता नहीं है, ये माफ़ी मांग लेता है, आता है फैमिली के पास चला गया आपको छोड़कर, फिर इसने माफ़ी मांग ली और यहाँ पे वापस से आ गया ये एनर्जी लेके, 9 ऑफ कप की एनर्जी लेके। तो नेक्स्ट सेक्शन में ये है, अगर ये कहीं और मैरिड है तो ये बात है, अगर ये आप ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो मुझे लगता है कि आप दोनों में ट्रस्ट इशू बहुत होने वाले हैं। और ट्रस्ट इशू हो के थोड़ी बहुत अनबन होगी तो बात समझ सकती हूँ, बट अगर हार्श कम्युनिकेशन होगा तो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। मुझे लगता है आपकी शायद अब ज़्यादा बहुत हाइट होगी इनको अंडरस्टैंड करने की, ये इनकी जो हमेशा बात रही है कि ये बोलती कुछ है करते कुछ है, या फिर आपको दिलासा देने के लिए बोलती कि ऐसा कुछ नहीं, तो इस बात का ऊपर आपको कोई भरोसा नहीं है, आप ही एक डिटैचमेंट मोड में जाएंगे, आप ही इनको थोड़ा कट कट करके रहेंगे, बट ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, ये अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है। ट्रस्ट इश्यू आपके कवर रिकवर नहीं हो रहे, आपको इस पर्सन को लेकर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यू है, अरे आगे भी रहेंगे। बदलाव की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, चेंज की ज़रूरत है, आपको किसको चेंज करना है, आप बार बार डिटैचमेंट वाली एनर्जी जाती है ना, आपको भी इसको चेंज करने की ज़रूरत है। एंड क्या होगा, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन एक रिलेशनशिप में रहता है फिर बाद में आपको सब अटैच करता है, कम्युनिकेशन कट करता है, आपको अकेला छोड़ देता है, तो ये जो है ना इस पर्सन का बिहेवियर शायद इसका एंड होगा। मैं क्लेरिफाई करूँगी तब मुझे और पता चल जाएगा, इसका एंड होगा। बट एक आर्गुमेंट, एक सेपरेशन, एक डिटैचमेंट, फिर चुप रहना, ज़्यादा बात ना करना ही है, बट एंड ऑफ द डे क्या होता है ना, एक माफ़ी के साथ आपका रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप वापस पटरी पे आ जाता है। बच्चे हैं, बच्चों के साथ जुड़ा कोई फ्यूचर है और दोनों उसको लेकर सोचते हैं, इसीलिए दोनों अपनी अपनी बातें एक जगह साइड रख देती हूँ और फिर इस रिलेशनशिप में आप लोग आते हो। ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो यही बात है कि ये थोड़ा बहुत वहाँ पे जाएगा तो उसको लेकर आपको दिक्कत होने वाली, और आपको ट्रस्ट भी नहीं है, और आपको शायद कहीं ना कहीं पता है कि बार बार ऐसा ही कुछ आपके साथ करने वाला है। देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे कौन है। जी थर्ड पार्टी है, इनसिक्योर आप तो हो, ये पर्सन एक्शन लेगा, आपको लेट गो नहीं करेगा, बट आप इनसिक्योर हो कि भाई ये थर्ड पार्टी को लेके क्यों आता है हमेशा, अगर ये मैरिड है तो भाई ये तो लेके ही चलेगा, ये पर्सन आता है बट वही बर्डन कैरी करके आता है, ये आपको आपके माइंड के ऊपर ये बर्डन ही है कि भाई ये थर्ड पार्टी लेके आ रहा है। और ऊपर से पर्सन का नेचर भी बहुत ठीक है, जिस जेस्चर से आपको समझाना चाहिए जब तक उसको कन्विंस करना होता है तब तक इसका जेस्चर बड़ा पोलाइट और काइंडफुल होता है, बट जब उसको पता है कि भाई इसको इतना समझाने की ज़रूरत नहीं, तो उसका बिहेवियर थोड़ा रूड हो जाता है। ये बहुत इगोइस्टिक है ये पर्सन, घमंड है इसमें कुछ, ये आता है बट यही बात लेके आता है, तो इसके आने की आपको शायद उतनी खुशी नहीं होती है। जी हाँ, ये अगर किसी ट्रेडिशनल मैरिज में है तो आपको तो भाई इसके ऊपर डाउट ही रहेगा कि ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, इसके कमिटमेंट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, नहीं रहेगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी जीती है, ये पर्सन यूनाइट तो होता है गाइस बट
एक सेपरेशन मोड की एनर्जी पर्सन बार बार आपको देता है। आपका थोड़ा ये आपकी मुझे एनर्जी लगती है कि ये आता है, बट मुझे लगता है फिजिकली प्रेजेंट है। माइंड में आपके बहुत सारे कैलकुलेशन चलते हैं कि ये पार्शली आ रहा है, ये तो है मेरे पास, बट ये वो भी वो सेकेंड वाले सिचुएशन का बर्डन बहुत रहता है आपके माइंड के ऊपर, इसीलिए आप इस यूनियन को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। यूनियन मुझे दिख रहा है आपका, रिकन्सिलेशन हो रहा है, यूनियन हो रहा है, आप अच्छा टाइम बिता रहे हो, घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, डेट कर रहे हो, लव कम्युनिकेशन होगा आप दोनों में, प्यार भरी बातें होंगी। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी की कमिटमेंट फ्री की ये पर्सन कमिटेड नहीं है, इसके मैं बोल रही ना इसके लाइफ में दो 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 सिचुएशन है, उसको लेके पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पाता, बहुत कंफ्यूज ये पर्सन। आगे के सिचुएशन में इस पर्सन के लिए विक्ट्रीज मोमेंट आपके साथ, एक विक्ट्रीज के लाइफ की आपसे जुड़ी है, तो ये पर्सन उस वक्त के लिए आपके पास आता है, बट आपके दिमाग में क्या चलता है ना कि भाई ये आया है बट इसके साथ वो उसकी फैमिली भी है, इसके बच्चे भी है, ये भी है, वो भी है, तो ये मेरे पास कितना टाइम टिकेगा पता नहीं, ये वापस चला जाएगा, ये आता भी नहीं तभी तभी से आपको उसके जाने की चिंता रहती है। अगर ये कहीं और मैरिड है, आपके साथ मैरिड है और ये पर्सन आपके साथ बनाता है एक बॉन्ड, आपको तब भी इस पर्सन के ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके लाइफ में थर्ड पार्टी चल रही है और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चोरी छुपे कोई कम्युनिकेशन भी कर रहा है। ये है आपके पास कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई फ्रेंड है जिसके जरिए पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ बातें चल रही है, इसीलिए आप भी इस पर्सन को लेकर एक डिसीजन पर नहीं आते हो। इस पर्सन का एरोगेंस है ना जिसकी वजह से आप दोनों में झगड़े होंगे। एक तो पर्सन करता है गलतियाँ, ऊपर से बनता है एरोगेटिव, ऊपर से बनता है इगोस्टिक, अपने ही चाहते अपने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये तो नहीं होने देंगे आप, झगड़ा तो करेंगे आप। क्यों ना पक्के ना जी की झंझ जी, ऊपर से इस पर्सन का नेचर मुझे थोड़ा मनी माइंडेड लगता है गाइस। ये देखिए आपको पकड़ के बैठा है, कंट्रोल करता है, लेट गो नहीं करेगा ये पर्सन, इसको चाहिए आप। ये पर्सन आपको बोलेगा कि भाई आप उनके लाइफ में क्या हो क्या नहीं हो, बट ये जो ऑप्शन भी लेके चलता है ना, तो इसके लिए थोड़ा आपको डाउट होता है, उसको आप भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऑप्शन भी चाहिए, आप भी चाहिए, ऐसे कैसे होगा ना। ये पर्सन ऑप्शन को भी लेट गो नहीं करता, आपको भी लेट गो नहीं करता है। अभी ऑप्शन इनकी फैमिली, इनके मम्मी पापा है, सिबलिंग है, तो बात ठीक है, इनकी फैमिली कहीं हो रहे तो वहां पे थोड़ी आपको दिक्कत होती है, पेज ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं ऑफ सोर्स जी। क्लैरिटी चाहिए आपको, या फिर कोई क्लैरिटी मिलेगी किसी के जरिए मिलेगी, किसी की इंफॉर्मेशन थ्रू मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, या फिर ये पर्सन खुद को क्लैरिटी देगा, क्लैरिटी के साथ एक नया स्टार्ट करेगा ये पर्सन। आप ऑप्शन को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा करने वाले हो आगे, मुझे इतना दिख रहा है, हाथ धो के पीछे पड़ने वाले हो आप भी, क्योंकि आपका प्रेडिक्शन की परवाह नहीं है, आपको कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। स्टार की एनर्जी क्यों लेंगे जी, बहुत स्ट्रांग बन चुके हो आप, इंटेटिव बन चुके हो, फेमस होने वाले हो भाई, बहुत वक्त आ गया आपका, आपका वक्त आ गया है, आपकी डेस्टिनी खुद आप खुद कंट्रोल करेंगे मुझे लगता है। इस पर्सन को भी पता है कि भाई आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, इसके लिए कोई एक्शन लेनी जरूरी है, लेंगे। डेथ की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने, किसकी एंड किसकी स्टार्ट, मिजरेबल चेंजेस एंड एंडिंग, भाई देखिए वैसे तो कार्ड वाइज एनर्जी में प्रेडिक्ट करती हूँ, बट एक मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पे, इंटीट्यूली आपको कुछ डाउनलोड हो रहे हैं किसी के डेथ के, इसके लिए आई डोंट नो, किसी को ड्रीम थ्रू इंट्यूशन थ्रू एनर्जी वाइज कुछ तो डाउनलोड हो रहे हैं।
या फिर कोई स्पेल हो रहा है आपके ऊपर, मेरे व्यूअर्स के ऊपर, डेथ के लिए कोई सिक्रेटिव एनर्जी है, कोई महिला है। दूसरी बात, एनर्जेटिक कार्ड वैसे अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो यस, कुछ हिडन बातें थी, सिक्रेटिव बातें थी, कुछ ऐसी मिजरेबल बातें थी जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत आपका खराब होता जा रहा था, उसका एंड होगा। क्योंकि इंटीट्यूटिवली आपको पता चल गया है कि ये खेल कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर ये बात है, मैं तो यही क्लेम करती हूँ मेरे दर्शकों के लिए यही बात हो कि आप किसी की गलत एनर्जी पकड़ लेंगे और उसका एंड हो जाएगा इस रिलेशनशिप में, और ये आप ही करने वाले हो। ये महिला आप भी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि कौन बना पड़ा है आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने में, कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके रिलेशनशिप को इम्बैलेंस कर रही है, कौन सी नेगेटिव एक्टिविटी है, किसके ज़रिए आ रही है, इसका इंटीट्यूड आपको पता है और आपका आप उसका एंड कर देंगे। आई क्लैप इट फॉर माई ऑल व्यूअर्स। यू नो सोर्स की एनर्जी क्यों है जो जी जी मैं बोल रही हूँ, इसी का मुझे डर था। डेविल मंत्र तंत्र बहुत हो रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स ये आपकी एनर्जी आपके ऊपर हो रहा है। आप दोनों में डिटैचमेंट है, आप दोनों में झगड़े हो, आप दोनों में कुछ भी सुलह ना हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ अलग रहे, आपका रिश्ता एंड हो जाए। कोई फीमेल है और ये फीमेल मुझे थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, जिसको नहीं अच्छा लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ वो क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं, वो वक्त बिता रहे हैं, आपके साथ खुशियाँ बना रहे हैं। ये महिला को सहन नहीं हो रही है बात, और वो आपके ऊपर, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर एक स्पेल करवा रही है, जिसका एंटीट्यूड अगर आपको पता चलता है तो आप उसका उसको ख़त्म कर देंगे। बट एक एनर्जी है, गलत निगाह है, कोई नज़र लगा रहा है आपके रिश्ते को, कोई कुछ ब्लॉक मैजिक ऐसी बातें कर रहा है, और जो कर रही है वो फीमेल है, और वो फीमेल मुझे लगती है सिंगल है, वीडो है, या फिर डिवोर्सी है, जो आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है या फिर थी। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? आपके हेल्थ इश्यू भी चल रहे हैं। जब टाइम है आपके पर्सन के साथ अच्छा टाइम बिताने का, बॉन्डिंग बढ़ाने का, बट आपकी हेल्थ काम नहीं कर रही है। टेन ऑफ कप की एनर्जी जी, बहुत बातें सीक्रेटली चल रही है गाइस, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत गलत गलत बातें हो रही है। अगेन सीक्रेटिवली कुछ बातें, ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल हो रहा है, बच्चों के ऊपर हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, हो सकता है आपके बच्चे आजकल ठीक से कुछ नहीं हो रहा है इनका, कहीं अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं लग रही है, किसी के हेल्थ इश्यू हो रहे, कोई अपने रास्ते से भटक गया है, गलत संगत में लग गया है, वही इफेक्ट है। पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों एंजल? पर्सन दिमाग से तो बड़ा अच्छा जाता है आपको लेकर, पर्सन की एनर्जी है। देखिए, या तो आप अगर हीलर हो, आप एक प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप को, आप खुद कोई स्पेल करते हो, या फिर आप खुद अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, कोई टेक्निक आपको पता है तब बात ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है किसी हीलर को अप्रोच करते हैं। आपके पर्सन के दिमाग में, दिल में आपके लिए इस वक्त तो कोई गलत मुझे चीज़ नहीं लग रही, इनको तो करनी है स्टार्ट। मुझे लगता है मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स को पता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे कि आप ये ब्लैक मैजिक स्पेल ख़त्म करवा रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो देखिए एनर्जीज भी चेंज होती है, ये पर्सन आता है माफी के साथ, ये शुरुआत भी होगी आपके रिलेशनशिप में। एंजल की ब्लेसिंग है, बट यहाँ पे कुछ बातें हिडन थी, तो ये मैंने आपको बता दी कि क्या बातें हैं। आपको ट्रस्ट ना होना, ये पर्सन अगर सच्चे माइंडसेट से आता भी है तो आपके झगड़े होना, ये कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में, आपको तो पता होगा कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड रिलेशनशिप में, आपको उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अब आपको इतनी चुभन क्यों होती है, अब आपको इस पर्सन को देखकर आपके दिल में इतना गुस्सा क्यों आता है, तो आप ये बात नोटिस कीजिए। विश फुलफिलमेंट आप इस पर्सन की हो,
एक डिस्टेंस दूरियां पार करके ये पर्सन आपके पास आ रहा है, बट यहाँ पे इसके ठीक नीचे टावर मोमेंट है और इसके नीचे यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स है। मुझे लगता है गाइस कि अगर ये इफेक्ट ब्लैक मैजिक स्पेल वाला इफेक्ट थर्ड पार्टी का सक्सेसफुल होता है, तो मुझे लगता है जो रिश्ता आपके लिए विश फुलफिलमेंट बनता है तो उसमें दूरी आ सकती है, एक सेपरेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीटर की एनर्जी आ रही है। अब जब आपके पर्सन चीटिंग करेंगे या फिर कुछ चीटर हैं ये तो आपके पर्सन सेशन में मुझे पता चल जाएगा, बट यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है। रिश्ता तो आगे जा सकता है आगे, बट यहाँ पे एंजल भी ना हमें ज़्यादा खुश नहीं होने देते, बताते कि बच्चे मैं दे रहा हूँ बट आपको इसको इससे भी प्रोटेक्ट करना है, बचाओ अपने फैमिली मेंबर्स को बताओ। किसी भी मजहब से आप हो गाइस, अपने डिवाइन से कनेक्टेड जो कुछ भी होली ग्रंथ है, कुरान है, कुछ भी है भाई, उसके हेल्प हमेशा लीजिए। हनुमान चालीसा है, दुर्गा कवच है, कुरान है, कुछ भी पढ़ो आप, और कुछ नहीं तो कम से कम डिवाइन एनर्जी तो हेल्प ही करती है। आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है मैं देखती हूँ। सेवन ऑफ सोर्स शीटिंग, सिक्स ऑफ पेंटेकल, डेथ, टेन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ कप जी है तो पेनफुल एनर्जी गाइस। एक एंडिंग होगी चीटिंग की, बट बर्डन तो है, जिम्मेदारियां बहुत है, बाद में है, स्टेबल है बाद में। थ्री ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ सोर्स, झगड़े तो है भाई, टू ऑफ कप, ये दोनों के लिए मिक्स एनर्जी दे रहे हैं। अगर कोई प्रोटेक्ट करता है रिलेशनशिप तो अच्छी बात है, अच्छा है, और किसी से नहीं हो रहा है तो भाई वहाँ पे वही पेनफुल वाली एनर्जी है, एंड वाली एनर्जी है, बट एंड के साथ स्टार्ट दिखती है, बट स्टार्ट में भी झगड़े है, बर्डन है, ड्यूटीज है, प्यार भी है, ऐसा नहीं प्यार नहीं है, प्यार भी है, रिकन्सिलेशन है, यूनियन है। अब लाइफ है भाई, लाइफ तो वैसे किसी की इतनी आसान नहीं जाती है। सन ऑफ सोर्स की एनर्जी चीटिंग की एनर्जी की है, चीटिंग तो है गाइस यहाँ पे। संभल जी है, धोखा है, धोखे के साथ बहुत बिटल होने वाला है रिलेशनशिप में। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, सॉरी सिक्स ऑफ पेंटेकल है, तो जी हाँ एक चीटिंग के साथ दिख धोखा बिटल दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप के फाइनल आउटकम में भी। अलर्ट, सिक्स ऑफ पेंटेकल क्यों है एंजल, इक्वल गिव एंड टेक क्यों है, फाइनेंशियल कोई बात है जी, बैलेंस करनी है इस पर्सन को एक रिलेशनशिप आपसे, फाइनेंस से लेकर। अगर कमिटेड रिलेशनशिप में है तो भाई इसीलिए ये बात आ रही है कि इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। फाइनेंशियली आप इनका सपोर्ट सिस्टम हो, ऐसा नहीं है तो भाई आप और अदर एंगल से इस रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगी, कर सकते हो, या फिर आपको करना चाहिए करने के लिए। एंड के साथ है, बट इस एंड से आपको जस्टिस मिलेगा। देखिए या तो आपके रिलेशनशिप से ना ये चीटिंग, ये धोखा, ये सारी बातें हट जाएंगी, ये पर्सन वापस आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए राजी हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, एक एंड के बाद, बट एक एंड है और फाइनल आउटकम में। ये मैं आपको यहाँ यहीं पे बोल रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से आपकी रिलेशनशिप जा रही, जिस तरीके से आपकी रिलेशनशिप के ऊपर एनर्जी अटैक हो रही, निगेटिव एनर्जी अटैक, उससे तो हो यही लग रहा है कि एक सैडफुल एनर्जी से आपका सामना होगा,
बट क्या होगा ना, आपको एक एंड के बाद, एंडिंग वाला सब कुछ खत्म हो गया, प्राइवेट कुछ बचा नहीं है, सब कुछ गया है, मेरा एंड हो गया। जब आपको ऐसा लगेगा, एक मेजर शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आएगा, जहां से आपको जस्टिस मिलेगा। ये क्वीन ऑफ वैंड्स का एनर्जी है एंड एक एम्पर पेंटिकल्स का एनर्जी है। एक स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आप हो जाएंगे। देखिए, पर्सन आपके साथ है नहीं है पता नहीं, आप अपने आप में एक सक्षम हो जाएंगे, स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आ जाएंगे। जैसे कि भाई, आप अकेले काफ़ी हो अपने लाइफ को आगे लेके जाने के लिए, आप अकेले काफ़ी हो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। इस हद तक एक स्ट्रांग कॉन्फिडेंस पावरफुल एनर्जी आप में आती हुई दिख रही है। यह आपके लिए किसी जस्टिस से कम नहीं है। देख रहे, टेन ऑफ वैंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं क्यों जी। शुरुआत होगी जो बर्डन वाली एनर्जी रहेंगे, आप खुद ऐसे एनर्जी में, स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आते हो ना गाइस, जब तक आप विक्टिम बन के रहेंगे, रोते रहेंगे, तब तक आपको दर्द आपका 100 गुना पड़ता रहेगा। जिस दिन आपने उस दर्द को हटा दिया, भी हमको जरूरत नहीं, हम अकेले काफी, आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, इस एनर्जी में जब आप आते हो ना, तब आप देखना आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में कैसे एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होती है। हो सकता है इस एंड के बाद, हो सकता है यहाँ पे आपका डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि डेथ एंड जस्टिस आया है। रिलेशनशिप को अगर कोई चाहता है डिवोर्स हो जाए, डिवोर्स के बाद आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप आने वाला है जो आपके लाइफ से पूरा वो जो बर्डन है, जो बर्डन दिया आपके माइंड के ऊपर, आपके सोल के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, वो हट जाएगा। और ऐसा नहीं है नया पर्सन के साथ नहीं जा रहे हो, तो यही पर्सन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देगा। नाइट ऑफ सोर्स जी, एक स्ट्रांग विल। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी वैसे इतनी कॉन्फिडेंट तो नहीं होती, ये आने की इसकी बहुत फास्ट एनर्जी होती है, बट ये कितना स्टेबल रहता नहीं है, बट ये टेन ऑफ पेंटेकल्स के साथ आया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है स्टेबिलिटी आ रही है और क्विकली आ रही है, और शायद ये काफी टाइम तक रहेगी। यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्स से आया गया। ये पर्सन देखिए, यही पर्सन के साथ जा रहे हो तो कोशिश करेगा, बट ये थोड़ा कहीं और फैमिली वाला पर्सन है, तो भाई ये जाएगा भी। तो इन शॉर्ट एंजल ही बोल रहे कि अगर आपके लिए पॉसिबल है मैरिज, तो आप कर सकते हैं नए पर्सन के साथ, नहीं तो आपको एक कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। एम्परर जी, इगोइस्ट, ये घमंड बहुत इस पर्सन में, बहुत गवर्नमेंट है, या फिर ये पर्सन एक अथॉरिटी पोजीशन पे है, ऐसे पोजीशन पे कि इसको भी जाना जरूरी है, अपने फैमिली का करता धरता यही है, करने वाला यही है, जिसके ऊपर सब फैमिली डिपेंड है। ये शुरुआत तो आपके साथ करेगा और फिर फैमिली के पास भाग जाएगा। हरमेट अप्रोच करता है, फिर खुद आइसोलेशन मोड में डाल के चला जाता है, अकेला अकेला रहेगा, अकेला बहुत मिलेगा क्रश करने के बाद। सर आप पेंटेकल्स के नेगेटिव हैं जी, थर्ड पार्टी लेने जी, तो मुझे रात को डालनी पड़ेगी। सोच समझ कर आएगा भाई। हाँ, माफी मांग के फिर से आता है। क्या है यार, पर्सन किसको डील कर रहे हैं आप, इस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या करता है आपको अप्रोच करेगा, फिर भाई अकेला रहेगा, आइसोलेशन मोड में जाएगा, कई और फैमिली है ना, तो ऐसा तो करेगा ये पर्सन, फिर आपको ऑफर देगा शादी। तो देखिए, जो नहीं शादीशुदा तो उनके लिए शादी की ऑफर देगा, ऑलरेडी मैरिड है तो भाई ये बोलेगा ऐसा कि क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्यों नहीं करना पड़ता है, इसी के साथ शादीशुदा जिंदगी में हो तो ये बार बार इसका हो गया है, ऐसा आगे भी होगा, माफी मांग के शुरुआत करेगा। बिल्कुल, ये छोटा सा जेस्चर आपको देता है, आप उसको पूरा खजाना दे देते हो, भाई ये ले लो, हमारा सब कुछ तुम्हारा, जो हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा, देने के लिए बहुत छोटे ऑफर देता है आपको, देगा सोच समझ कर वो भी ऑफर देगा। ये शादी के बारे में, अगर आप शादी की कमिटमेंट इसके लिए सोच रहे हो, तो समझ कर होगी बात आपसे, और आप तो बैठे हो भाई, इतना भी बात करो हमें काफी है। फाइव ऑफ सोर्स, आप पूरा ओपन होके दे देते हो, फिर उनको चलो भाई इतने से काम मेरा बन चुका, फिर आपको बाद में पता चलता है अरे इसने तो ऐसा कर दिया हमारे साथ, फिर होते हैं झगड़े, क्योंकि थर्ड पार्टी कहाँ जा रही है, थर्ड
चटपटी तो है। आप ही की बात फिर आपको याद दिलाते, आपने ऐसा बोला था। किंग ऑफ सोर्स क्यों है? झगड़ा करेगा ये पर्सन। ये पर्सन देखिए, एट की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन झगड़ा करेगा, देखिए अपने काम में खुद को उलझा लेगा ये पर्सन, और या फिर आपसे कम्युनिकेशन करेगा। अगर आपका और उनका कोई फाइनेंस रिलेटेड कोई बात है, यहाँ पे मुझे लग रहा था सिक्स ऑफ पेंटिकल देख के भी मुझे लग रहा था कि आप दोनों एक ही जगह पे काम करते हो, सिर्फ काम के रिलेटेड कोई बातें होगी, अदरवाइज आपके झगड़े होंगे, कम्युनिकेशन में झगड़े होंगे, यही से झगड़े शुरू हो जाते हैं आप दोनों के। ये पर्सन आपको कट कर देगा। किंग ऑफ कार्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये आपको छोड़ता भी नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ता है, और जब आप कहीं और जाने के लिए लग जाते हैं, ये फिर ये माफी वाला कब, मुझे भी रिलेटेड होता है, ये कब लेके आता है, माफी मांगता है। आपको शायद आपकी वीकनेस पता है, किस बात से आप इनके मोम की तरह पिघल जाएंगे, ऐसा करता है कुछ टाइम टाइम के लिए रहता है, फिर ये बात ऐसा करता है। क्वीन ऑफ कप जी, देखिए प्यार लेके आएगा, बट ये प्यार लेके आएगा। देखिए सच में अगर इस पर्सन के लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना गाइस, तो मैं ये बात इनके समय में इनको कोई क्लीन चिट नहीं दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मैं। आपको पहले से पता है तो कुछ डिमांड आपको फिर आपके कम करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ एनर्जी की है, या फिर आपको ही एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके भी कोई होगी ना कि ये सब कुछ होता है, कि आप ही के पास ये आता है, शुरुआत करता है, माफी मांगता है, तो इसके दिमाग में दिल में आपके लिए कुछ नहीं, ये बात नहीं है। चीटिंग वाली बात है कि हाँ ये आपको झूठ बोलता होगा कि आपके साथ रहेगा, कमिटमेंट देगा, ये बात झूठ होगी, और आप वो बात लेके बहुत आगे तक चले जाते हो। इन्होंने कुछ टाइम निकालने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ आपसे बात बोल दी, आप वही बात लेके जाते हो, तो ये कर्मा ही हो जाता ना गाइस। स्ट्रेंथ की एनर्जी के हैं, डेथ यहाँ पे दो बार डेथ की एनर्जी आ गई गाइस। कुछ मेजर शिफ्ट होने वाला है रिलेशनशिप में, या तो आप अपना थोड़ा नज़रिया चेंज कर दीजिए इस रिलेशनशिप को लेकर। कुछ बाउंड्रीज है उसके, बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना ली हैं, उसको कर लीजिए, अपनी कुछ डिमांड हटा दीजिए, तभी रिश्ता ठीक है। अदरवाइज तो भाई जो डेस्टाइन कनेक्शन इसका एंड है। अगर आप कुछ अपनी जो सख्त नेचर या अपने अपना लिया उसको अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो देखिए यूनियन है, रिकन्सिलेशन ही यूनियन है, शिफ्ट तो आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका थोड़ा नज़रिया चेंज हो जाएगा, मैजिशियन मैनिफेस्ट करेंगे। डेस्टाइन कनेक्शन है ये, ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लगता है, या फिर हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, कुछ तो सो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। इसी के कारण आप भी इस पर्सन से छुटकर नहीं जा सकते, कितने ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में आप हो या फिर ये पर्सन है, ना वो आपको पूरी तरीके से छोड़ पाते। रिलेशनशिप का एंड होता है, इसके बाद शुरुआत होती है, कुछ फिर से आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक प्यार बहता है यहाँ पर, प्यार छिड़ता है। आपको भी पता है रिलेशनशिप में ये पर्सन आपको परमानेंट कमिटमेंट नहीं देने वाला, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बाद भी आप इस रिलेशनशिप में स्टक हो, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कर्मा है, कॉन्टैक्ट है, कुछ तो बात है। तो यही बात है, जब आप ये बात समझ जाते हैं तब बात ठीक है। अब ये आपका मैरिज रिलेशनशिप है, तब तो भाई छोड़ने की बात ही नहीं आती। इस रिलेशनशिप में हार्डशिप और डाउनशिप तो होने वाले हैं, स्ट्रगल होने वाला है, आपको भी इंटिट्यूटिवली पता है। बट क्या होता है ना कि जब भी ये पर्सन आपके साथ अच्छा बिहेवियर करने लगता है, तभी आपके दिमाग में शक की सुई घूमती है कि ये अच्छा रह रहा है इसके साथ में, ऐसा ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है ही नहीं। और आपका शक कई हद तक सही भी होता है, ऐसा मैंने बोले कि आप गलत होते हैं। बट अगर आपका इसके पर्सन के साथ शादीशुदा जिंदगी, तो मुझे फ्यूचर ही दिख रहा है कि इतने उतार चढ़ाव के बाद ये रिलेशनशिप स्टेबल होता मुझे दिख रहा है। लगेगा लोगों को रिलेशनशिप एंड हो चुका है, लगेगा आपको भी रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, बट फर्दर ऑफ द टाइम इस रिलेशनशिप में शुरुआत होती है, और इस रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन बार बार आपका होता रहता है।
होता रहेगा। एंजल की क्या गाइडेंस से देख लेते हैं। बाप रे, ये भी तो एक घंटे की एनर्जी हो गई। क्या हो रहा है मुझे, इतना क्यों बोलती जा रही हूँ मैं। क्या है फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम निकाले एंजल आपकी क्या गाइडेंस से प्लीज गाइड मी। Within next few weeks, look for sign. इंटिट्यू आपको साइन आपको मिलते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके रिलेशनशिप में हो जाएगा सॉर्ट। रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन कर लीजिए गाइस, किसी भी गलत एनर्जी गलत लोगों से। खुद को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको, और रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। मेडिटेशन, मुझे लगता है आप भी स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे काफी सारे लोग हीलर की ना जा रही मुझे, सॉरी जी। यू आर रेडी इफ यू बिलीव। लिसन टू इंट्यूशन के बारे में बहुत बोल रही हैं, साइन भी बोल रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाली। मैंने पहले ही बोला था आपको, किसी भी नतीजे पे यूं ही मत जाइए। रिकंसीडर कीजिए रिलेशनशिप को, अगर आप छोड़ना चाहते हैं। बिग अपेच चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप से ब्लैक मैजिक इविलाय का और थर्ड पार्टी प्लस ब्लैक मैजिक प्लस इविलाय इसका शिकार है आपको रिलेशनशिप। कुछ कर्मा भी हो सकता है दोनों के पास, लाइफ कर्मा। तो इसके लिए स्पेल होते हैं, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये है आपके लिए रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, और इसी तरह से चैनल का हिस्सा बने रहना। सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम एंड शुक्रिया फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।